उत्तरकाशी में पिछले 6 दिनों से टनल में फंसे 40 मजदूरों को निकालने के लिए कई रेस्क्यू टीमें युद्ध स्तर पर जुटी हुई हैं। 12 नवंबर यानी दिवाली के दिन जब ये हादसा हुआ था तभी से सभी लोग टनल से निकलने की उम्मीद लगाए बैठे हैं। फिलहाल 24 मीटर तक ड्रिल के काम को पूरा कर लिया गया है, लेकिन फिर से कुछ मुश्किलें आने लगी हैं। टनल में लगे सरिये की वजह से खुदाई करने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है अगर जल्द रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा नहीं होता है तो इन मजदूरों को कई परेशानी होनी शुरू हो सकती है। इन परेशानियों में मुख्य तौर पर लगातार ऑक्सीजन की कमी से बेहोश होना, खाने की कमी से हालत बिगड़ना, लाइट और ठंडी की वजह से हाइपोथर्मिया की समस्या आ सकती है। इस रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि इंजीनियर और वैज्ञानिक हर कोई काम कर रहा है और पीएम मोदी भी इस रेस्क्यू ऑपरेशन की लगातार समीक्षा कर रहे हैं। वहाँ पर जो इंजीनियर हैं और विशेषज्ञ हैं सभी लोग काम कर रहे हैं। अभी 25 मीटर तक जो है वहाँ पर जो पाइप डालने का काम है वो पूरा हो चुका है। बीच में चूंकि रॉक्स भी आ रही हैं वहाँ पर आ रही हैं, लेकिन काम तेज़ी से चल रहा है। लगातार उस पर सब लोगों की नज़र भी बनी हुई है। माननीय प्रधानमंत्री जी भी लगातार उसकी समीक्षा कर रहे हैं, लगातार देख रहे हैं। हमारे भगवान से प्रार्थना करते हैं जल्दी से जल्दी जो है आर्मी भी डिप्लॉय अभी जो भी विशेषज्ञ लोग हैं, चूँकि NHAI DCL उसकी कार्यदायी संस्था है और उसमें सभी प्रकार के जो भी विशेषज्ञ हैं सब अपनी सेवाएं दे रहे हैं। जानकारी के मुताबिक टनल के पास प्रशासन ने बड़ी मॉक ड्रिल भी कराई है जिससे हर परिस्थिति में अभियान चलाया जा सके। मौके पर कई रेस्क्यू टीम, पुलिस बल और मेडिकल टीमों को भी तैनात किया गया है। हालांकि रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर टनल में फंसे मजदूरों के परिवार के लोग सवाल भी उठा रहे हैं। वहीं ऑपरेशन में लग रहे वक्त को लेकर रेस्क्यू टीम में शामिल NHIDCL के डायरेक्टर अंशु मनीष से जब सवाल पूछा गया तो उन्होंने क्या कहा, सुनिए। जब काम होता है, मशीन चलते हैं ना, तो अंदर वाइब्रेशन होते हैं, तो वाइब्रेशन होने से जो सतह की इक्विलिब्रियम खराब हो जाती है और इससे हमेशा खतरा बना रहता है कि और मलबा ना नीचे आ जाए। तो हमने अब डिसाइड किया कि बीच बीच में पहले हम निरंतर चले जा रहे थे लेकिन उससे सारा इक्विलिब्रियम खराब हो रहा है। तो अब हम, आप देखिएगा, कुछ समय के बीच में रुकेंगे फिर काम स्टार्ट करेंगे। तो जहाँ तक उसकी बात है ये है। और दूसरा जो हमने 24 बोला था, एक्चुअली 6-6 मीटर की टोटल पाइप्स हैं, तो 24 का उसका गुणा अगर करते हैं तो वो बनता है टोटल 4। तो हाँ, तो उसका जब आप गुणा करिएगा तो 4 पाइप्स का 24 बनेगा। तो 24 में से 21 और 22 मीटर जो है अंदर जा चुकी है, 2 मीटर बाहर है, क्योंकि वो हमको जोड़ने के लिए लगता है जब अगली पाइप है। और अगली पाइप जो है 5वीं, वो हम ऑलरेडी जोड़ चुके हैं और अब आप देखेंगे कुछ समय के बाद में उस पर आगे खुदाई जारी है। बता दें कि इस रेस्क्यू ऑपरेशन में शामिल टीमें ड्रिलिंग के जरिए मलबे में 800 मिलीमीटर और 900 मिलीमीटर के कई बड़े पाइप डालकर एक छोर से दूसरी छोर तक एक रास्ता बनाना चाहती है जिससे टनल में फंसे लोग इसके जरिए बाहर आने में कामयाब हो सके। वहीं टनल में फंसे मजदूरों को लेकर बताया गया है कि सभी श्रमिक सुरक्षित हैं। इसके साथ ही उन्हें समय समय पर राशन, पानी और ऑक्सीजन की सप्लाई की जा रही है। टाइम्स नव भारत डिजिटल की रिपोर्ट।